गहरा इश्क भी था जो बचपन में ही हो गया था, और जो अभी मैं आपको दिखा रहा था ना बचपन के दोस्त थे वो आपको उनकी पत्नी है। प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं बीफ वहाँ ना खाता हूँ। पिछली वाली जनरेशन से अगर हर चीज से एग्री कर रहे हो तो फिर अगली जनरेशन होने का कोई फायदा नहीं। पीपल लाइक चेतन भगत ये इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, ये एंटी इंटेलेक्चुअल है। जो जेई क्रैक करता है जरूरी थोड़ी है फिजिक्स का उसको सारे फंडे पता हो यार। इंशाल्लाह मत बोलो उससे, आप लिंच कर दिए जाओगे। ये जो बहुत सारे कॉमिक्स भी हैं जो एलीट पढ़े लिखे घरों से, अमीर घरों से, अपर कास्ट घरों से हैं, बोलते हैं कि अपर कास्ट है कहाँ, अब कहाँ कास्ट है, पहले होता था। मैंने पूछा है तेरे घर में काम वाली आती है चप्पल बाहर क्यों उतार के आती है, कि संजय भाई वो तो हाइजीन है ना। मैंने कहा साले तो तू अपनी चप्पल पहन के क्यों अंदर घुसता है, मेरा घर है, शादी करी है अपनी कास्ट में, अरेंज मैरिज दहेज में लिए जयगुआर। मैंने कहा कास्ट है कहाँ। हाँ मैंने कहा तो ये सब क्या है, क्या यार तो माँ बाप की चॉइस है यार, माँ बाप ने क्या। मैंने कहा तो माँ बाप ने दूसरी कास्ट में क्यों नहीं चूज़ किया, कि यार आप तो बेकार की बात कर रहे हो, फिर आ जाते आपकी तो वोकेशनल नॉलेज है, आप मन की बात नहीं सुनते। अच्छा फिर वो ये कहते हैं आजकल आप, यही तो हो रहा है कि यार तुम ना किताबें बहुत पढ़ते हो, अपनी मर्जी से प्यार करेंगे, शादी माँ बाप की मर्जी से। हाँ। क्यों, क्योंकि संस्कारी हैं। हाँ। उनको दुख नहीं दे सकते। हाँ। माँ बाप को दुख नहीं दे सकते। हाँ। लड़की तो दूसरी दहेज लेंगे क्योंकि लड़की के माँ बाप का संकल्प है उनकी खुशियों में आड़े नहीं आ सकते। हाँ। हाँ। बकवास। तो ये इस हिपोक्रेसी को ये लोग एक्सपोज करने से बजाय एंडोर्स करते हैं और अपनी कारों पे पीछे लिखवाएंगे, पर जय परशुराम, जट्टा का छोरा, गुर्जर पार, मतलब मुझे, मैं रोक के पूछना चाहता हूँ जाट पावर, मैं कहता हूँ गाड़ी चला रहा है ऑल्टो CNG वाली, मैं कहता हूँ उतर के मुझे बता यार तेरी पावर है कहाँ। तो ये सब चीज़ें मतलब ये सोसाइटी में यूनिक, और ये ऐसी नहीं है, ये खाली इंडिया की बात नहीं है, आप लाहौर चले जाओ या उधर चले जाओ, कराची चले जाओ, वहाँ अलग, वहाँ पर भी यही काम है। जीन तो एक ही है, वहाँ पर भी यही काम है। पीछे गाड़ियों के शेर जटदा अमर किला सा लौंडा बैठा हुआ है अंदर, मैंने तूने शेर की शक्ल देखी, इतना बड़ा मुंह होता है उसका, दाड़ दे तो मुंह छूट जाए, कहता है कि शेर जट, ये अजीब लोग हैं। तो ये तो आर्मपिट ऑफ द वर्ल्ड ना इधर बैठा हुआ है सर, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। लोग बोलते हैं श्रीलंका अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, मगर श्रीलंका भी अच्छा कब हुआ है, आफ्टर जेनोसाइड। क्या कह रहे हैं, देखो ना वहाँ पे क्या हुआ, जो तमिलियंस के साथ जो हुआ वो जग जाहिर है, उसके बाद अब वहाँ पे शांति पड़ रही है, सड़कें साफ हो गई हैं, तो बोल रहे श्रीलंका बड़ी अच्छी जगह है, लेकिन वो जो उसकी अच्छी जगह की कीमत है, जो एथनिक क्लींजिंग है, वो करी है ना उन्होंने, लाखों लोग मार दिए गए, लाखों मारे गए। हम भी गए थे वहाँ पे आधी रोटी पे दाल खाने के लिए IPKF में, राजीव गांधी का हिस्टोरिकल ब्लंडर। संजय समकालीन, मतलब मैंने समकालीन ही लिखा है तो वही निकला, समकालीन स्टैंड अप कॉमेडीज आपके साथ बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, कोई इंग्लिश में कर रहा है, कोई हिंदी में कर रहा है, आप किसको एडमायर करते हैं, किसकी पॉलिटिकल समझ को, किसके अप्रोच को? सर इसका तो जवाब आपको पता ही है। नहीं, आपके और वरुण के अलावा, आपकी तो जुगलबंदी है सर। मुझे रजनीश कपूर बहुत पसंद है। रजनीश कपूर, रजनीश कपूर अंग्रेजी में करते हैं, बीच में हिंदी में भी डालते हैं। आई मीन दैट गाय परहैप्स is the best when it comes to writing jokes. He's amazing. उसके jokes जो होते हैं वो non-political joke भी है उसका, वो इतना ज़्यादा polished होता है, इतना ज़्यादा polished होता है कि आप मुस्कुराए बिना रह नहीं सकते। और उसके अलावा मुझे तो कोई, मुझे stand up comedy में actually कोई दिलचस्पी है नहीं सर, मुझे किसी को देख के हंसी नहीं आती। वो तो बाद में लोगों ने मेरे को बताया, कोई जॉर्ज कार्लिन है, कोई मैं पाकिस्तान में गया था, किसी ने मेरे को एक किताब गिफ्ट कर दी टू, उस पर लिखा टू संजय सब कॉन्टिनेंट्स बिल हिक्स, तो मुझे पता चला कोई बिल हिक्स है, तो तब जाके मैंने वो किताब पढ़ी, तो फिर मैंने जॉर्ज कार्लिन को देखा, तो वो सब फिर भी मुझे ठीक लगे थोड़े से। बट मुझे कोई एक नया लड़का है ट्रेवर नोआ, वो भी बड़ा अच्छा है, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन आसपास हिंदुस्तान में सर मुझे तो कोई नहीं ऐसा पता, इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं, इसलिए मुझे ऐसी आती नहीं, मुझे कॉमेडी में कोई इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए जॉनर ना कि मुझे ना रोमांटिक फिल्में देखना पसंद ही नहीं है, आप मुझे कितना अच्छा रोमांस देखो मुझे पसंद नहीं है, मुझे वॉर मूवीज़ पसंद है मान लो अगर मैं कहूँ, तो मुझे कुछ भी घटिया से घटिया दिखा दो मैं उसको भी खुश हो जाऊँगा। तो वो एज आई वुड से कि मेरा जो एस्थेटिक्स है या मेरा जो इंटेलेक्ट है वो इतना डेवलप्ड नहीं है कि मैं कॉमेडी को अप्रिशिएट कर सकूँ। आई एम जनरली अ वेरी एंग्री पर्सन, तो मुझे हंसी नहीं आती।
ओके, पाकिस्तान का जिक्र आ रहा है बार बार, कब गए पाकिस्तान, क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, क्या था? पाकिस्तान से मैं 5-6 दफ़ा जा चुका हूँ, 5-6 दफ़ा, हर साल ही चला जाता हूँ। क्या ये गिरिराज सिंह के बयान से पहले गए थे कि बाद में? बाद में भी गया हूँ, बयान तो उधर से भी आते हैं। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, कह रहे हैं जाहिल तो दोनों तरफ हैं। मैं बता रहा हूँ, बर्मा में इंडिया ने पहला वो सर्जिकल स्ट्राइक का शगुफा छोड़ा था ना, कि हम वहाँ पे जाके घुस के ये करके आए हैं। हाँ, वो मिलिटेंट्स को मार के आए हैं। तो मैं उसी दिन, जिस दिन ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कमेंट दिया था कि अब हम पाकिस्तान को भी सबक सिखाएंगे, ठीक है, वो कमेंट आया उसी दिन शाम को मैं लाहौर पहुँचा। तो वहाँ पर मेरी सिक्योरिटी में जो पुलिस वाले थे, उस मैसेज में कहता है कि यार ये मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान में घुस जाएंगे। हमने कहा चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार देखो, एक तो आप उन्हीं से पूछो, मैं थोड़ी हर चीज़ का ठेकेदार हूँ, और दूसरी बात है कि थोड़ी देर रुक जाओ, आप यहाँ से भी जवाब आने वाला है। तो कुछ घंटों बाद ही परवेज़ मुशर्रफ, जो अपने घर में ही वहाँ पर हाउस अरेस्ट में आए, बोल रहे हैं कि हमने जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ये शबे बारात में छोड़ने के लिए थोड़ी बनाए। वो भी शुरू हो गया, शुरू हो गया काम का वहाँ पे। मैंने कहा ले सुन ले आप बता। फिर उसने बोला यार पागल ही है यार, वो बम छोड़ रहा है, वो बम छोड़ रहा है, हमें क्या बेमतलब में लेना देना। ये एसएचओ बोला, एसएचओ बोला लाहौर का। हाँ, तो वो दोनों तो एक्सपीरियंस, मतलब कुल मिला के मुझे तो बड़े 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 मज़े आते हैं वहाँ पे। सर बड़ी अजीब ही जगह है, मैं एक फ़ोटो खिंचाने जा रहा था पासपोर्ट साइज, तो लाहौर कराची, ये लाहौर की बात है। तो एक कॉन्वॉय था पूरा, पता नहीं मुझे इतनी सिक्योरिटी क्यों दे रखी थी, क्योंकि मैं पंजाब गवर्नमेंट का गेस्ट था वहाँ पे, स्टेट गेस्ट था। तो 4 गाड़ियाँ ही चल रही, चल रही और मैं अकेला एक गाड़ी में बैठा हूँ पुलिस वालों के साथ, फोटो खिंचाने लेके जा रहे हैं। यहाँ पे सुसाइड बम हुआ था, यहाँ पे धमाका हुआ था, ये वो बताते जा रहे हैं, वो बताते जा रहे हैं कि जो टेरर टूरिज्म, हाँ कि जो टेरर टूरिज्म करा रहे थे, कि जो दीवार टूटी है यहाँ पे, तो 17 यहाँ मरे थे, ऐसे कुछ कुछ हो जा रहा पूरे शहर में। मैंने कहा यार भूख लग रही है, छोले कुलचे हैं जहाँ पे बम ना पटे, मुझे खिला दो किसी जगह पे। तो वो भी हंस रहे, वो भी खूब हंस रहे। और कराची जाओ तो कराची की कहानी कुछ और, कराची में तो ज़्यादातर तो इंडिया से गए बसे हुए हैं, मुहाजिर सो कॉल्ड, मुहाजिर जो बसे हुए हैं, जाने रोना जाते रोना छोना शुरू कर देते हैं, आए है इंडिया, आए है इंडिया। किस तरह का रोना, थोड़ा कुछ कि हमारी तो बड़ी हवेलियाँ थी वहाँ पे, तो क्यों चले गए छोड़ के? मैंने कहा यार तुम में से कोई गरीब भी था जिससे बात करो, वो हवेलियाँ ही छोड़ के आ रहे हैं वहाँ पे, सब मुगलों के वंशज हैं। तो अपने उसके अपने अलग, वहाँ पे कॉमेडी करना आसान है सर, क्योंकि मुद्दे इतने हैं ना, स्ट्राइफ इतना है। जैसे कराची में फॉर एग्जांपल एमक्यूएम और जो पीटीआई या एएनपी और इनके बीच में जो आपस में पीपीपी इनके बीच में जो आपस में जो चल रहा है, सिंधी और मुहाजिर का जो एक पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, एमक्यूएम की खुद की अपनी जो पॉलिटिक्स है, बलोच भी बहुत हैं और इनका किसी का आपस में किसी का, अब जो मुहाजिर है ज्यादा बिहार और यूपी से है, उर्दू स्पीकिंग है, अब कराची सिंध की कैपिटल है, सिंधी ना उन्हें आती मुहाजिर को, ना उनका रहन सहन खान पान, ना प्रैक्टिसिंग इस्लाम उनका उनके जैसा, सिंधी को ये लगता है कि साले बाहर से आके। तो उनके बीच में हमेशा ही खिचड़ी पकी रहती है। एमक्यूएम का जो इतना राइज और इतना वायलेंट राइज है, वो इसलिए ही है कि उनको भी लगता है एक बार तो हमें घर से निकाल दे, दोबारा नहीं छोड़ेंगे, अब ये घर नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कराची में जब वो लोग आए, मुहाजिर जो आए, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर बेटर एजुकेटेड, मोर एजुकेटेड, दे कुड स्पीक इंग्लिश एंड उर्दू, एंड उर्दू वॉज द नेशनल लैंग्वेज, कराची बिकेम द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो उनको बहुत तरक्की मिल गई सर, वहाँ पर इंडस्ट्री लगा दी उन्होंने, ब्यूरोक्रेसी में बहुत घुस गए। ये तो भुट्टो ने आके अपनी वो सिंधी कॉन्स्टिट्यूएंसी पकड़ने के लिए, इस्लामाबाद कैपिटल बन चुका था तब तक, उसने सिंधीज को अफर्मेटिव एक्शन के तहत प्रमोट करना शुरू किया, मुहाजिर को एक जो उसका स्यूडो सोशलिज्म था ना, उस रिटोरिक के अंदर मुहाजिर को दबाना शुरू कर दिया पोस्ट 1971। हाँ, और फिर उसके बाद ज़िया उलग ने जब इसको एग्जीक्यूट कर दिया था जुल्फिकार अली भुट्टो, 78 PPP का राइज सिंध में बड़ा बढ़ रहा था उसने। अब ये सब इतनी खिचड़ी वाली कहानी है ना, कि इनकी कॉमेडी है कि जिया ने इसको अल्ताफ हुसैन को पुश किया, नवाज शरीफ को भी, हाँ, और पीपीपी के नवाज शरीफ, अल्ताफ हुसैन को जिया ने, और उसके कोड़े भी पड़वाए। फिर एक नैरेटिव है कि भाई ये रॉ एमक्यूएम जो रॉ से फंडेड है और सच ये है कि जो अल जुल्फिकार जो ग्रुप बनाया था ना, जो भुट्टो के बेटे ने टेरर ग्रुप ही था वो जी, उनके बंदे यहाँ आके रहते ट्रेनिंग थे, लेते थे। तो ये सब मिली ताकि वो जिया के खिलाफ कार्रवाई कर सके। ये मिली जुली कहानियां सुना के इसमें कॉमेडी बनाना बड़ा आसान है। जैसे इमरान खान पागल कहते हैं कि
कितने सालों से कह रहा है कि देर इज अ गुड तालिबान एंड देर इज अ बैड तालिबान, वी शुड एंगेज विद गुड तालिबान. हर देखो यही उसका वो कमेंट था. तो अब लोग परेशान है, मतलब तालिबान को गुड और बैड में कैसे, मतलब कोई कोलेस्ट्रॉल थोड़ी है यार. फर्क क्या है दोनों चीज़ों में? और वो इस तरह के बाइक से एक बड़ा मतलब, अगर कोई दुनिया का कोई भी मर्द हिंदुस्तानी मर्द को अच्छा दिखाता है ना, तो वो पाकिस्तानी मर्द है. इतने घटिया हैं वो. उनके आगे ना वहाँ की औरतों को इंडियन इंडियन बंदा आ जाता है तो बोलते हो यार ये तो ओहो ये क्या है. बहुत ही शरीफ बंदा है जी, बहुत ही सुलझा शरीफ, सुलझा शरीफ, रिस्पेक्ट और ये और वो. मतलब वहाँ तो इतने घटिया कैनन बहुत लो है. 4 साल कहीं ऑक्सफोर्ड से पढ़े, देख एक ऑक्सफोर्ड वाले को तो देख ही रहे हो आप, इसको क्या क्या इसके निकल रहे हैं, उसकी पार्टी वाले लोग क्या क्या कर रहे हैं. लेकिन सबके पेट में लंबी लंबी दाढ़ी है. तो वो तो वहां जाके लगता है कि इंडियन मर्द दुनिया का सबसे घटिया मर्द नहीं है. पर एक चीज है संजय, वहां की कॉमेडी बहुत रिच है. मतलब हाँ सर, मोइन अख्तर को देख लो. हाँ मतलब जिस तरीके से वो एस्टेब्लिशमेंट की सबकी धज्जियां उड़ाते हैं, हिंदुस्तान में मुश्किल है. हिंदुस्तान में सर होगा, बिल्कुल होगा. देखो हम पाकिस्तान से इस मामले में कम से कम 30 साल पीछे हैं. जो जिया के टाइम पे 80s में हुआ वो हमारे यहाँ होना शुरू हुआ. तो टाइम दो थोड़ा सा, वी विल कैच अप टू देम. हिंदुस्तान की सबसे बड़ा कर्ज क्रिएटिव आर्ट में क्या है? बॉलीवुड. अगर कोक स्टूडियो यहाँ पे खुला, बॉलीवुड घुस गया. आप इंडिपेंडेंट कुछ बनाना चाहते हो फिल्म, बॉलीवुड के बिना आप बना ही नहीं सकते. ठीक है, आप कॉमेडी को ही देख लो. मेरे पास तक पहुँच गई वो एक बहुत घटिया फिल्म आई थी लास्ट ईयर, बेफिक्रे, आदित्य चोपड़ा की, जो उस साल की सपोजली सबसे बड़ी फिल्म थी, आदित्य चोपड़ा की कमबैक फिल्म 7 साल बाद. हाँ, और उसने क्या बनाया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और एक वो रब ने बना दी जोड़ी. मतलब मैं उसको बोला, मैंने कहा यार एक औरत का एक पति है लल्लू सा, वो रब ने बना दी जोड़ी, और वो सुबह वो चेंज होके आ जाता है, अगले मतलब शाम को चेंज होके आ जाता है. एक तो वो पहचानती नहीं है, और जब उसके पति को मालूम है कि ये ऐसे बंदे से खुश रहते तो वैसा ही बन के रह लेना यार. क्यों इतने ड्रामे कर रहा है तो फिर मेरे को बेफिक्री की कहानी उसने सुनाई. कहता है यार किसी शेयर मत करी, मेरे से वो साइन करा लिया. मैंने कहा यार ये 500 बार कम से कम ये फिल्म बन चुकी है. नहीं आपको सुनाई, साइन करा लिया, मतलब आपसे वो क्या रोल चाहते थे आपको? उसमें वो हीरो है रणवीर सिंह. वो ये सुनो, वो स्टैंड अप कॉमेडी करता है पेरिस में हिंदी में, और वो बहुत घटिया स्टैंड अप कॉमेडी थी. हाँ, जो फिल्म में दिखाई गई आपने देखी है वो? बस वो स्टैंड अप कॉमेडी वाला सीन और बाकी फिल्म फॉरवर्ड कर करके देखी. वो स्टैंड अप कॉमेडी मैंने लिखी है सर. क्या लिखवाया लेकिन उन्होंने? अब सुनो सर, अब वो इतनी अनइंस्पायरिंग स्क्रिप्ट थी, तो मैंने सोचा कि यार इसको एलिवेट करता हूँ थोड़ा सा. तो मैंने कुछ लिखा बड़े बड़े, जिसमें जेंडर वेंडर लेके आया. बट यू वर सो नॉट देयर. मैं जेंडर वेंडर लेके आया उसके अंदर, तो कहता यार यार संजय क्या हुआ? कहता यार मेरा ऑडियंस ना बिहार से लेके और न्यूयॉर्क तक है. मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है. कहता नहीं नहीं तो ऐसे नहीं, जो सबसे घटिया घटिया चीज़ें थी वो ले ली उन्होंने, बाकी सब उड़ा दिया. बाकी सब मना ही कर देगा, ये चेंज कर दे. ये प्रॉब्लम है ना, बॉलीवुड गेट्स इनटू एवरीथिंग. आप किसी को बताते तो नहीं कि आपने बेफिक्री वाला वो पीस लिखा है? मैंने खुद देखा ही नहीं सर, मैंने खुद नहीं देखी फिल्म. क्या रखा क्या उड़ा दिया, क्या रखा क्या उड़ा दिया क्या है, मैंने खुद भी नहीं देखा. मैंने इसमें क्या देखना मेरे को यार. तो ये कॉमेडियंस जो है, जो सोकल कॉमेडियंस है, वो कभी भी बॉलीवुड से जुड़ेंगे तो यही होगा, डम डाउन होगा, डम डाउनिंग प्रोसेस होगा उनका. मैं जैसे अपनी फिल्म भी अगर मैं लिखूं तो मैं इनको तो दिखाऊंगा ही नहीं, कभी ना बने शायद, कभी भी ना बने चाहे, ये इनसे नहीं होगा. फिर उसके बाद भी ये बोला कि किसी को बताना मत ये फिल्म, ये स्टोरी मत बताना. स्टोरी पता है वो क्या है? मैंने कहा ये किसको बताऊंगा तो सुनेगा नहीं यार वो मेरे से. क्या वेस्ट दिल्ली का लड़का पेरिस में चला कैसे गया यार? हम जाना चाहते हैं, हम तो नहीं, वीज़ा मिलते हमको यार. वो चला गया वहाँ पे, और वहाँ पे वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है हिंदी में, कौन सुन रहा है? वही पंजाबी फैमिली जाके बैठी हुई है वहाँ पे. फिर उसको एक लड़की, अच्छा सुनो लड़की है वहाँ पे जो भी उसमें हीरोइन थी, मेरे को कहते हैं कि वो लड़की ना बहुत ही डेयरिंग और बहुत ही ना फॉरवर्ड लुकिंग ब्रॉड माइंडेड लड़की है. मैंने कहा अच्छा कैसे, क्या है उसकी पॉलिटिक्स, क्या है? कहता है उसने बहुत सेक्स किया लाइफ में और इसलिए वो प्रोग्रेसिव हो गई. मैंने कहा वो तो मैंने भी करा लेकिन मैं तो नहीं हूँ.
ना अगर अगर आप कैरेक्टर समझने की कोशिश कर रहे हो लिखने के लिए और डायरेक्टर आपको ये बोला उसने बहुत सेक्स किया, बहुत प्रोग्रेसिव है, तो उस पर क्या लिख दे कोई? मैं तो डायरेक्टर पर चुटकुला बना दूं यार, क्या आदित्य चोपड़ा ये सोच रहे? तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा यार भाई क्या क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने कि गंद लिखना भी सर बहुत मुश्किल काम है सर, ज़्यादा मुश्किल है, मुझसे इम्पॉसिबल है। और मैं लिख के बोला था किसी को पता ना चल जाए यार ये मैंने किया है, फिर मैंने कहा अब जो किया है वो बताने में क्या है यार, मतलब जो काम है असल वो लोग देख ही लेते हैं, कुछ चीज़ें पैसे के लिए भी करनी पड़ती हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, लड़की बहुत प्रोग्रेसिव, उसने बहुत सेक्स किया और समहाउ वो जो है टूर गाइड है वहाँ पे लोगों को घुमाती है, तो उसको हिंदी भी आती है, फ्रांस भी पली बड़ी है, माँ बाप उसके इंडियन हाँ। जो भी हैं, फिर उनको प्यार हो जाता है, फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है, फिर उसको किसी और से हो जाता है, फिर लड़का जलस हो जाता है। मैंने कहा ये कहानी कोई अगर मैं किसी को बताने भी लग गया तो कोई सुनेगा क्यों मेरे से यार, ये है प्रॉब्लम सर हिंदुस्तान की बॉलीवुड। आपने एक्टर्स के लिए लिखा, आपने खुद एक्टिंग भी की है, उसके बारे में बताइए। दोस्तों के लिए करिए सर, वैसे कोई कौन सी फिल्म थी? एक फिल्म थी सिटी ऑफ डार्क जो न्यूयॉर्क में लास्ट ईयर फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ था उसका। सिटी ऑफ डार्क? हाँ। अच्छा, तो इंडिया में रिलीज नहीं हुई? कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिली नहीं रहा उसको। और असल बात तो ये कि मैंने भी वो फिल्म एक ही बार देखी जब मैं डबिंग कर रहा था उसकी। कैसी है फिल्म? विल यू रिकमेंड? वो बंगाली इंटेलेक्चुअल टाइप है यार। आप एक बार बताओ, आप यहाँ बैठे यशराज का मजाक उड़ा रहे हो, उन्होंने आपको एक मोटा चेक दिया, आई एम होपिंग, आपके दोस्त की फिल्म है, उसमें आपने रोल किया, आप कह रहे हो मत देखो, तो हाउ विल यू सर्वाइव? मतलब आप तो नहीं सर सर्वाइव करने के लिए कि मैं देख लो, आपको इतना शौक है बाद में मेरे को ही कहोगे आगे? नहीं नहीं, मैं जानबूझ के ये कह रहा हूँ ताकि जो लोग देख रहे हैं वो ये चीज़ सीखें कि मुंहफट होना ऐसा भी होता है और ये ज़रूरी भी होता है अगर आप बिलीव करते हैं। मैं अगर ATD की बात करें तो मैं बोलूँगा यार प्लीज़ ज़रूर देखो, ज़रूर आओ, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी कमाल का शो है बिल्कुल, जब भी आपके आसपास लगे ज़रूर देखिए और फ्री पासिस मत खोजिए। हाँ, लेकिन जहाँ तक एक्टिंग की बात है, एक्टिंग वो डायरेक्टर का शिप है, उसका प्रोजेक्ट है, मैं उसके शिप में एक खाली बंदा हूँ, वो मेरे को जो करने के लिए बोल रहा है उसमें मेरा लीड रोल है। बाय द वे ये भी बता दूँगा आप लोगों को, जो मेरे को करने को बोल रहा है मैं वो कर रहा हूँ। ऐसे रोमांस भी क्या, ऐसे पेड़ के इर्द-गिर्द गाना गाया कुछ कमर हिलाते हुए? नहीं नहीं सर, कमर है ही नहीं, हिले कहाँ से सर, डांस वांस नहीं किया ऐसे, वो चूड़ीदार और शेरवानी वेरवानी पहन के कुछ शादी वाला? नहीं नहीं, बता तो रहा हूँ, ऐसी फिल्म है, कैमरा एंगल्स अजीब अजीब से हैं, ट्विस्टेड से लाइटिंग अजीब सी है, रामू टाइप के जो नीचे से कैमरा निकल आता है, मतलब जहाँ से चूहा आ सकता है वहाँ से कैमरा आ जाता है। अगर एक एक बुद्धिजीवी बंगाली जो फिल्म बनाएगा वैसी फिल्म, ओहो वो वैसी फिल्म, म्यूजिक उसका इंडियन ओशन ने किया है। अच्छा, और अभी इनफैक्ट कल रात को मैं डायरेक्टर के साथ था, वो उसको डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिल रहा कि कमर्शियली वायबल ही नहीं है, पर अब ये देखने के बाद और मेरे को हीरो लेगा तो फिर कौन खरीदेगा फिल्म यार तेरी। सो यू डिड टीवी एंकरिंग, एक्टिंग, राइटिंग जी, और कंप्यूटर्स? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स कंप्यूटर्स। तो भविष्य में क्या है, मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हों, कुछ जहन में हो कि यार ये करना है? सर मैं एक किताब लिख रहा हूँ पेंगुइन के लिए। अच्छा, और इट्स सटायर और इट्स पॉलिटिकल ह्यूमर, डार्क पॉलिटिकल ह्यूमर, सटायर, तो इट्स अ जक्सटापोजिशन ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग इंडिया राइट नाउ एंड ब्रिंगिंग इन पाकिस्तान। फिक्शन है? इट इज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस इन पाकिस्तान। ओके, व्हाटएवर हैपेंड टू मी ओवर देयर, बट विद मॉडर्न इंडियन कॉन्टेक्स्ट विद दिस नैरेटिव बिल्डिंग, अब इसको पाकिस्तान भेज दो, इसको पाकिस्तान भेज दो, तो उसको थोड़ा सा फिक्शनलाइज मैंने किया है, अंग्रेजी में है अब जो आपको नहीं आती, नहीं आती जी मेरे को सर, शुक्र थैंक गॉड कि वो एम एस वर्ड, शी गोज, हाँ डशी गोज एम एस वर्ड है ना, जिसमें वो ढूंढ लेते हैं कि इसके चार सिनोनिम बताओ, सबसे बढ़िया वाला कौन सा है वो लगा दो वहाँ पर, तो सब बहुत अच्छा। टाइटल फिक्स हुआ है अभी बुक का? हाँ अभी तो है सर, कराची काइट्स। कराची काइट्स? जी जी, कराची काइट्स पेंगुइन से आएगी, संजय राजौरा की किताब, मज़ेदार आदमी है, मुझे उम्मीद है कि किताब भी मज़ेदार होगी। आई होप थोड़ा डार्क एंडिंग है उसका, बहुत डिस्टर्बिंग एंडिंग है। ठीक है, बहुत बहुत दिनों तक सत्यनारायण वाला एंडिंग सुन लिया ना, कि जैसे इनके दिन बहुरे सबके बहुरे हैं। इसके अलावा सर मैं एक शॉर्ट फिल्म मेरे दिमाग में घूम रही, जो मैं अगले 15-20 दिन में लिखने वाला हूँ, ATD का ये टूर खत्म हो जाए, उसका नाम है पिस्टल।
और अगर आप चाहें तो पिस्टल, हाँ छोटा सा मैं उसका बता देता हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, कि वो ऑनर किलिंग के ऊपर है पर फनी है। तो उसमें 5-6 जाट एक गाड़ी में निकलते हैं ऑनर किलिंग करने के लिए, 5-6 जाट एक गाड़ी में, हाँ गाँव से निकलते हैं ऑनर किलिंग करने के लिए, और उसमें हर एक अपने आप में एक कैरेक्टर है। उसमें एक बंदा है जिसने कभी कोई मर्डर नहीं किया, उसका इनिशिएशन है। अच्छा, कि पहली गोली हम तुझसे ही चलवाएंगे, वो नहीं करवाएंगे तेरी। हाँ, और एक और जाट लड़का है उसमें जो माइकल जैक्सन का भयंकर फैन है, गंदा वाला फैन मतलब, और उसे कुछ नहीं पता ये कौन है, उसे कुछ नहीं मालूम, मूनवॉक कर लेता है, बस वो मूनवॉक करता रहता है, आओ ये सब करता है वो, और माइकल जैक्सन के ही गाने सुनता है। और वो पूरे रास्ते चलते चलते हाईवे पे जब जा रहे हैं, पूरे रास्ते में कुछ कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, इवेंचुअली वो जो माइकल जैक्सन का फैन है वो वहाँ पहुँचने से पहले इन सबको मार देता है, माइकल जैक्सन के ऑनर में, माइकल जैक्सन के ऑनर में। वो ना बेइज्जती कर देते हैं माइकल की, क्या ऐसे करके बीच बीच में सीक्वेंसेस होते रहते हैं। तो लाइक एक गाड़ी वो टेक कर जाती तो सारे जाट फैल जाते हैं कि कैसे निकल गया ऐसे आगे करके, रोक साले को, इसको बजाते हैं। वो जाता है, गाड़ी रोकता है, उतरता है, माइकल जैक्सन का फैन उसको एक गन्ना दे के आता है कि चौक ले भाई, वापस आके बोले तू तो यार इसको गन्ना दे के आ गया, ठोक नहीं आता। वो कहता है इट डोंट मैटर इफ यू ब्लैक और वाइट, आके बैठ जाते हैं। चलो तो ये है एक छोटा सा, बहुत सही है ये, तो देखें क्या बनता है इसका। सर लिख तो लें पहले, तो फ्यूचर ये है, ज़्यादा आगे कि मैं सोचता नहीं। देखो सबसे बढ़िया काम जो मैंने लाइफ में किया कि शादी और बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ा। अच्छा, संजय ने शादी नहीं की? ना, ना, ना नहीं की, मतलब मैं आई डोंट बिलीव इन दैट इंस्टीट्यूशन। ओके, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट इंस्टीट्यूशन, बिकॉज मेरा मानना है कि पेट्रियार्की जो है ना, जो दो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट इंस्टीट्यूशन है ना, मैरिज और फैमिली, ये पेट्रियार्की की सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। बिकॉज नोबडी स्पीक्स अगेंस्ट मैरिज, नोबडी स्पीक्स अगेंस्ट फैमिली, और पेट्रियार्की की सबसे ज़्यादा सींचता जो है ना, ये दोनों इंस्टीट्यूशन सींचते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम मेरी मैरिज से ये है कि स्टेट का इंटरफेरेंस। व्हाई डज स्टेट हैव सो मच स्टेक इन यू बीइंग मैरिड? इफ यू आर मैरिड यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड विद स्टेट, एंड इफ यू वॉन्ट टू सेपरेट द स्टेट वॉन्ट अलाउ। वो आपको बोलेंगे नहीं एक साथ रहो, नहीं निभा के रखो, मैरिज ये है मैरिज वो है, एक साल और साथ में रहो, इवन इफ यू आर म्यूचुअली यू डिसाइड आई डोंट वांट टू बी विद यू, व्हाट इज देयर बिजनेस? बिजनेस इज सिंपल, स्टेट इज वेरी स्केयर्ड ऑफ लूज कैनन्स। इफ यू हैव अ फैमिली विच इज द फर्स्ट थिंग यू वुड प्रोटेक्ट, अगर मैं आपको आके बोलूँ चल यार इंडिया गेट पर ना आज ये वाला प्रोटेस्ट है, वहाँ लाठीचार्ज हो सकता है, पहली बात आप या कोई भी यही बोलेगा यार मेरे बीवी बच्चे हैं भाई, यार मैं मरने थोड़ी जाऊँगा वहाँ पे। That's where the state's investment exists, and that is very problematic. तो दूसरी बात ये कि किसने हाँ भी नहीं करा, मेरे को तो खा किससे कर लेता। एक आखिरी सवाल, मतलब मुझे लगा था मैं इस सवाल पे खत्म करूंगा, क्योंकि मैं बार बार ललन टॉप की पॉलिटिक्स का जिक्र कर रहा हूँ, है ना, क्यों हम संजय राजौरा या वरुण की कॉमेडी को पसंद करते हैं, या फॉर एग्जाम्पल आदिति मित्तल की कॉमेडी को, कि एक बुनियादी समझ है कि कास्ट को लेके, जेंडर को लेके। और जैसे मैं बताऊं कि मुझे एक दिन न्योता आया एक ब्राह्मण महासभा के कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता वगैरह का कि आप ये काम कर रहे हैं ललन टॉप और हम आपको जोड़ना चाहते हैं, तो मैंने कहा पर मुझे तो मतलब ये मैंने नहीं चुना कि मैं एक दलित की कोख से पैदा होऊंगा या ब्राह्मण की, है ना, इत्तेफाक है। अब मैं ये चुन सकता हूँ कि मैं किसकी सलीब किसकी लाश ढोऊं। बिल्कुल, घर वालों ने वैसे ही अलग कर दिया है कि साहब जात बाहर ब्याह कर लिया लड़के ने, तो आप भी जाटों का खूब मजाक उड़ाते हैं, है ना, हालांकि कई जाट हैं जो अपने ऊपर तो नहीं हंसते लेकिन उनका बोलने का अंदाज ऐसा होता है कि वो अपने आप में, तो कभी उस तरीके का नहीं आता कि यार तू जाट होके हमारा मजाक उड़ाता है या। ये तो अभी चंडीगढ़ में हुआ था, अभी हाँ चंडीगढ़ में आपका शो था अभी। हाँ, तो ऐसी तैसी का ही शो था, तो वहाँ पे कुछ जाटों के बारे में कुछ बोल रहा था, तो शो के बाद ना वो गुलदस्ता देने के लिए कोई MD बुलाया हुआ था थॉमस कुक का, वो हमें गुलदस्ता देने आया, स्पॉन्सर रहे होंगे। हाँ, तो वरुण ने बोला कि यार अगली बार किताबें दे देना, इसका मैं क्या करूँ। बाद में वही बंदा मेरे पास आया, बाद में मैं बाहर खड़ा हुआ था, कहता भाई जाटों का ना इतना मजाक ना उड़ाया कर, कभी कभी ABVP हो जाया करे, ये वो MD साहब बोल रहे थे। तो मैंने कहा होती होगी यार, क्या करूँ, कहता मैं ABVP हूँ। मैंने कहा तो क्या करूँ, मैंने बता दे किसका उड़ूँ,
फिर उस लैंग्वेज के नहीं मेरे साइड हो यार, क्या बात करनी थी, मतलब गुलदस्ता देने के बाद एबीवीपी बन रहा है मेरे से। तो ये होता है कई बार होता है, पर यार किसी का तो मजाक उड़ाओगे ही ना यार। वो घटिया चीज का उड़ा रहे हैं, मतलब कास्ट से ज्यादा घटिया चीज क्या हो सकती है जिसका मजाक उड़ाया जाए। इनको समझ ही नहीं ना, वो आगे गुलदस्ता देके चौड़ा हो रहा है, बाद में एबीवीपी हो जाएगा। एबीवीपी हो जाएगा तो क्या मतलब, क्या करूं मैं? पर एबीवीपी का तो नारा है ज्ञानशील एकता, मतलब ज्ञान विद्या ददाति विनयम, विनयता हो, शील सज्जनता। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विद्यार्थी विद्या की अर्थी उठाने वाले लोग हैं ये। एबीवीपी का तो अटल बिहारी वाजपेयी भी बन सकता है, लेकिन वाजपेयी नहीं रहे तो एबीवीपी क्या रही है? वाजपेयी का जो खत्म है वो तो वेट कर रहे हैं कि कब बुलावा है उनका। बस इनका विद्या ददाति विनियम अगर इन्हें पता होता तो देख लो ना, यहीं पे रहते हैं। रामदास में जिन्होंने पंगा किया था नोएडा की, तो अवाना क्या नाम है, अवाना कर लो बात एक बार उनसे। ये वही जो शुरू में बात कर रहे थे कि इनका जमाना है और इसके लिए लिबरल भी लिबरल, और ये सब तरफ है, सब तरफ है। एबीवीपी में भी हैं, एनएसयूआई में भी हैं, एनएसयूआई में भी हैं, लेफ्ट में भी हैं। एनएस जो काम अब एबीवीपी कर रही है, पहले एनएसयूआई नहीं करता था। हाँ, एक टाइम पे एनएसयूआई को धीरे धीरे करके बोलते थे घरों में, क्योंकि गुंडे थे साले एनएसयूआई के। ये जो संजय गांधी और इसका गैंग था पूरा का पूरा, इन्होंने ही तो ये काम करे, अब एबीवीपी कर रहे। तो ये तो हर तरफ बंगाल में लेफ्ट का वही हाल है, केरल का। बंगाल में लेफ्ट ने क्या क्या नहीं किया, कितना उन्होंने, आज बंगाल की हालत देखो सर, इतने साल लेफ्ट रूल होने के बाद वहाँ पे अभी भी ये कि क्या, ये मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठे हुए हैं। हमने तो इस बार लेफ्ट का भी खूब मजाक उड़ाया ना इस सीजन में। अच्छा, हाँ, इनका तुमको तब से बोले जा रहे हैं दाढ़ी वाले, झोले वाले, दाढ़ी वाले, दाढ़ी बना लो यार कुछ तो चेंज करो। मतलब उन्होंने तो अपना खाकी निक्कर अब ट्रैक पैंट बना लिया है, तुम इतना तो कर सकते हो? कॉन्स्टेंटली इज द सेम नैरेटिव, देयर इज नो कास्ट, देयर इज नो जेंडर, देयर इज ओनली क्लास, ये ही नैरेटिव पे बैठे हैं। जाति को लगातार नकारते और इसीलिए फेल हुए, इसीलिए फेल हुए। लोहिया से नहीं सीखा कुछ। इंडिया में जाति के बिना आप पॉलिटिक्स को समझ ही नहीं सकते, बिना जाति को समझ। यहाँ एक आदमी की जाति सो कॉल्ड नीची है तो उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, मार देते हैं, कमाल। एनीवेज, लल्लन टॉप आदमी, लल्लन टॉप का दोस्त संजय राजौरा एक और शख्सियत के साथ। कितना एकदम टीवी जैसा फील आ रहा है ये क्लोजिंग देखे, हैं कि एकदम पिच ऊंची कर दो और ऐसे क्लोजिंग दे दो। एक और मजेदार आदमी या औरत, लड़की या लड़का, या ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। प्रतीक्षा हम लोगों को बराबर बताती रहती है कि हमारी पॉलिटिक्स दुरुस्त होनी चाहिए और हमारा वर्गीकरण सिर्फ बॉय या गर्ल या मेल या फीमेल में ही सीमित नहीं होना चाहिए। एक पूरी एलजीबीटी कम्युनिटी है जिसके हक के लिए, जिसके अधिकार के लिए भी लल्लन टॉप उतना ही वचनबद्ध है जितना अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए। आज़ादी के सारे खतरे, आज़ादी के लिए, अभिव्यक्ति के लिए जो भी खतरे उठाने होंगे ताकि लोकतंत्र मजबूत रहे, हम उठाते रहेंगे, लोगों को आपके बीच लाते रहेंगे और वाद विवाद संवाद का ये सिलसिला ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए, संजय राजौरा ने जो सारा ज्ञान दिया है जिससे हम कई बातों से बहुत सहमत हैं, आपका इनके बारे में क्या सोचना है? आपके पास एक विकल्प है कि आप संजय राजौरा को गाली दें, इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बुलंदशहर के आदमी हैं, ढीठ टाइप के लोग होते हैं और अच्छा है, कॉमेडियन को ढीठ होना भी चाहिए, मोटी चमड़ी वाला, लेकिन गाली देने से आपका तर्क कमज़ोर हो जाता है। अपनी बात लिखिए ताकि बातचीत आगे बढ़ सके। जो लोग ये फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं वो हमारे पेज को लाइक करें ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो बनाएं आपको फौरन से खबर हो जाए, क्विक वाला संदेश आ जाए। यूट्यूब पे ये वीडियो देखने वाले साथी हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और घंटी भी टंटनाएं। घंटा बजाना शुभता की निशानी है, अच्छा स्वर होता है घंटे का, बशर्ते वो किसी को डराने के लिए ना किया जाए। हर अजान, हर घंटा अगर शांति का संदेश नहीं देता है, अहमक पना सिखाता है, आपको बौड़म बसंत बनाता है, तो ऐसी पूजा का, ऐसे ईश्वर का, ऐसे धर्म का कोई महत्व नहीं है। शुक्रिया।